सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने निर्णय में लिया कि धर्म या हिंदू धर्म वो है जिसके द्वारा जगत के लोगों का कल्याण अधिक से अधिक हो रहा है। एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हिंदू धर्म को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्यों? यह एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा है जिससे पूजा पद्धति जिसकी विभिन्न है, एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा तो एक है लेकिन उसके विभिन्न रूप है। इस हिंदू टेंपल में जगत के जितने भी स्वरूप है वो सब स्थापित है, जो चाहे जिस पद्धति से जिस गुण स्वभाव धर्म से पूजा करना चाहे कर सकता है, ऐसा हमारा हिंदू धर्म। दूसरी बात यह है कि यह जो है इसके विभिन्न मत मतावलंबी है, कोई एक पथ को लेकर हम नहीं चलते हैं, एक पथ एक पंथ को लेकर चल रहे हैं। हमारा जो है अनेक पंथ हैं, मार्ग लक्ष्य एक है लेकिन हमारी साधनाएं अलग अलग मार्ग से हो रही है। इस प्रकार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म को तो प्रस्थापित करना परिभाषित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तो एक जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति होने के नाते इसको सर्वधर्म संभाव का नाम दिया जा सकता है, जगत के कल्याण के लिए जीवन पद्धति का नाम दिया जा सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। इस तरह से मैं जो हिंदू विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसके आधार पर एक टेम्पल स्थापित है वो कल्याण का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी विचारधाराओं में यहाँ पर वर्तमान समय की जो स्थिति है दो सुविधाएं है, अध्यात्मिक तो है, आप लोग भागवत से बस भागवत गुरु जी से सुनते हैं, यहाँ पर सब बताते हैं, सबको मालूम ही है। तो दो विचारधाराएं, एक अध्यात्मिक पथ चल रहा है और एक भौतिकवादी पथ चल रहा है। अध्यात्मिक पथ जिसमें आत्मवत् सर्वभूतेषु ईशावास विदम सर्वम एको ब्रह्म तृतीयो नास्तिवादी जो बात आई है वो सब चलती है, और इसमें हम अपनी साधना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सियाराम मैं सब जग जानू की बात को चरितार्थ करते हुए जगत का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भौतिकवादी जो स्थिति है आज हम सब लोग उसको भोग रहे हैं। एक नीत वाक आया है, विद्या विवाद आए धनम मनाय सत्य परेशाम परपीड़नार्थम कलश साधोर नेतत्व एकम ज्ञानाय दानाय च संरक्षणार्थम। आज जो उपभोगवादी संस्कृति चली है, यदि हमें जगत का कल्याण करना है, विश्व में शांति लाना है, तो उपभोग पर नियंत्रण करना होगा। उपभोग पर नियंत्रण न करने के कारण जगह जगह संघर्ष की स्थिति बन रही है, आधिपत्यवाद दुर्देव चल रहा है, और इसके कारण से जो मानव समाज में एकता शांति स्थापित विश्व की होनी चाहिए वो नहीं है। इसके लिए हमारा धर्म जो है हिंदू वो स्पष्ट व्याख्या करता है, हमारे यहां अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पाए वैशिष्टों की धारणा बताई गई है। यदि हम केवल धर्म और धर्म को छोड़ दें, यदि हम अर्थ और काम की साधना करेंगे उसकी प्रमुखता लेंगे तो ये उपयुक्त नहीं है, ये पशुपत नीति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, त्याज्य है। केवल अर्थ और काम का विचार करना त्याज्य है, ये कल्याणकारी नहीं है। इसमें हमारे शास्त्रों में धर्म की व्याख्या की गई व्यवस्था, धर्म को आधार मानकर केंद्र मानकर अर्थ और काम की बात की जाए और फिर मोक्ष को पहुंचा जाए। तो दो किनारे हैं, एक ओर धर्म है और एक ओर मोक्ष है, दोनों के बीच में अर्थ और काम की बात है। यह केवल हिंदू दर्शन में है, अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि हमें जगत का कल्याण करना है, जगत का कल्याण करने के लिए उपभोग पर कंट्रोल करके हमें हिंदू विचारधारा को प्रशय देना होगा, क्योंकि आज जगत में संघर्ष की स्थिति है, सब भटक रहे हैं, शांति की खोज में है। विश्व शांति तभी होगी जब हमारा उपभोग का काम जो कम होगा, तो
तो वो कमोलों से त्याग की बात आएगी और भगवान इशारा क्रमे भगवान सूर्य आ रहा है जो तपस्या 87 वर्ष तक एक साथ बैठ के कर लेते हैं और भस्म रमा करके जगत का कल्याण करते हैं। इसीलिए त्याग की जो वृत्ति है वो प्रधान है समाज में। जब तक त्याग तपस्या सामंजस्य ये नहीं आएगा विश्व शांति नहीं आ सकती। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात आई है गुरुदेव कि महा अजय संसार रिपु जीत सके ना को हुए जाके अतरत होए दृढ़ सुधौ सका मति धीर। जब विभीषण कहता है कि रावण रति विरत रघुवीरा देव विभीषण भयो अधीरा कैसे विजय प्राप्त करेंगे भगवान राम रावण पर, तब भगवान राम कहते हैं कि भौतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण नहीं है विभीषण, दया धर्म सत्य परोपकार सहिष्णुता सेवा कर्तव्यपरायणता त्याग इन गुणों के रहते हुए बाकी चीजें सब सामान्य है और हमको यदि विजय प्राप्त करना है तो इन पर बल देना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा। और इसी तरह से कवच समेत चित्रकूट पूजा यदि हमें स्थापित करना है तो गुरु और ब्रह्म की पूजा जो है अभेद है। गुरु के बिना शरण दिए कल्याण मनुष्य का नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति से प्रधान देती है और आप सब लोगों ने यदि अध्ययन किया हो तो रामचरितमानस में जब लंका विजय के बाद भगवान राम आते हैं तो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि तोरी कृपा अनुग्रह मारे, ये हमारा शास्त्र है जहाँ ऋषियों का गुरुओं का इतना महत्व है कि उनके संकेत पर उनके मार्गदर्शन में देश का कल्याण की बात होती है। भगवान राम ने स्वयं कहा है वशिष्ठ जी से कि आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से मैंने राक्षस को विजय प्राप्त की। इसी तरह से एक और प्रसंग आता है जब परशुराम जी गुस्सा होकर के वहां पर बोलते हैं तब भगवान राम कहते हैं कि अभय हो जो तुम्हें डराई, जो तुम्हें डर जाए यानी गुरु को नतमस्तक हो जाए गुरु की शरण में पहुंच जाए वो अभय हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। इस तरह से हमारा हिंदू धर्म हमारा शास्त्र इस बात को जगत के कल्याण के लिए कहता है और उसी पर हमें चलना है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है खुशी भी है और गर्व भी है मुझे आपने अवसर दिया है हम बोलने का कि आज हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की जरूरत है। बच्चों में वो विचारधारा कल्याण के भावना आनी चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी भजन सुन करके क्या इस दिशा में ये मंदिर किस प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र है कल्याण का केंद्र है और जगत के कल्याण का केंद्र है। अमेरिका में स्थित होकर के एक बार यहाँ पर वहां विवेकानंद जी ने शिकागो में बात कही थी अपने साथ की और अब मैं समझता हूँ कि मेरीलैंड में स्थित ये मंदिर जो है इसका केंद्र बने और जगत के कल्याण की बातें जो है चारों तरफ हो। ये विषय जो है बहुत गंभीर है विषय अलग है। मैं तो सामान्य आपने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने का तो मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है इस ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी है श्री राम अग्रवाल साहब उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर दिया। और मेरा तो केवल उद्देश्य यही है और मैं भगवान शिव की सेवा में जो लगा हुआ हूँ कि हम अपनी विचारधारा का प्रसार तो कल्याण की बात है यहाँ सामंजस्य की बात है माने हम जो है विभिन्न लोगों को हम कहीं जबरदस्ती कुछ नहीं करते हैं। हमारा धर्म ही जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है चिंतन क्योंकि कल्याण का है। तो ये मंदिर पूजा स्थली के साथ साथ जगत के कल्याण का माध्यम बने और जगत का कल्याण भारतीय संस्कृति की रक्षा का माध्यम बने। आप सब लोगों ने ये सब प्रस्तुत किया है ये निश्चित रूप से कहना चाहिए बहुत ही उत्तम बात है। तो उसको क्या कह सकता हूँ मुझे 15 मिनट समय दिया गया था पंडित जी के द्वारा तो कभी समय मिलेगा क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पर सर्विस में वहाँ आया हुआ था और इतने अवसर मिला तो मैं आप सबको पुनः सब धन्यवाद देते हुए यहाँ प्रतिष्ठित सब देवगणों को प्रणाम करते हुए यहाँ प्रतिष्ठित भारतीय संस्कृति रक्षार्थ प्रयत्नशील व्यक्तियों को प्रणाम करते हुए धरती को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे परम आदरणीय श्रीमान शुभकर्ण शर्मा जी
मंदिर उज्जैन में है और वहां देवादिदेव महादेव काल के भी महाकाल कालेश्वर, उनकी पूजा विक्रमादित्य महाराज करते थे। संबत जिनका चल रहा है, हमारा हिंदू संबत विक्रमी संबत जिसको बोलते हैं, तो महाराजा विक्रम विक्रमादित्य जी उनकी प्रातः काल जाकर पूजा करते थे। तो ऐसे सुंदर पवित्र स्थान से हमारे नाम भी कितना सुंदर है, शुभ कर्म शर्मा, शुभ सबके लिए शुभ सोचना, शुभ विचार। वैसे हमारे शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदू टेंपल में। आज उन्होंने बहुत सुंदर बात यहाँ सबको बताई, तो आइए भगवान शिव का ही भजन